हाँ जी, कैसे हो सारे के सारे। तो वापस से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले रियलमी के कुछ ईयरफोन्स लॉन्च होने वाले हैं अक्टूबर 7 को, ठीक है। तो उनके बारे में हम बात करेंगे। एक आने वाला है उनका TWS, मतलब ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स, जो कि स्टेम वाले होते हैं। एक ईयरफोन आने वाले हैं जो वायर वाले होते हैं, होते लेकिन वायरलेस ही हैं। तो मैं पूरा उनके बारे में बताने वाला हूँ, क्या क्या फीचर्स रहने वाले हैं, क्या आपको उनको खरीदने चाहिए, क्या उनका अपग्रेड हुआ है पिछले वर्जन से, क्या वो टक्कर देने वाले हैं MI, ओप्पो, एप्पल, सैमसंग, बोट्स, इन सब ईयरफोन्स को। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तो ये जैसा कि मैं बता रहा था, रियलमी के नए ईयरफोन्स लॉन्च होने वाले हैं। इनकी जो डेट निकल के आई है वो है अक्टूबर 7, 12:30 PM, मतलब 12:30 PM पे ये लॉन्च होने वाले हैं। दो ईयरफोन्स हमारे पास, दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहला आता है रियलमी का बर्ड्स एयर प्रो, एयर प्रो एप्पल एयरपोड, मतलब एयर एयर हो गया ना। तो डिज़ाइन तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कॉपी कर लिया गया। इन ईयर डिज़ाइन है, जो रबराइज टिप मिलती है आगे, जो एप्पल के लास्ट ईयर लॉन्च हुए थे एयरपोड्स प्रो, उनके जैसा ये दिखता है। कुछ फीचर्स वैसे भी हैं, चलो मैं आपको एक एक करके फीचर्स बता देता हूँ। देखते हैं इसका प्राइस क्या रहता है। अंडर 5,000 रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। पहले जो इसमें खास बात आती है वो आती है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन अप टू 35 डेसिबल तक। जी हाँ, इसमें जो आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिलती है वो बहुत अच्छी मिलने वाली है। ट्रैफिक हो गया, लोगों की आवाज़ हो गई, वो आपको बिल्कुल भी सामने वाले आदमी को सुनाई नहीं देगी जो कॉलिंग पे होगा या आप रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे। तो बैटरी की बात करें तो बैटरी आपको मिलती है 25 आवर्स की विदाउट एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, और अगर आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन चालू रखते हैं तो आपको मिलती है 20 आवर्स की बैटरी बैकअप। और इसमें खास फीचर और मिलता है, अगर आप 10 मिनट तक चार्ज करते हैं तो आपको 3 घंटे की बैटरी आपको मिल जाती है। ड्राइवर्स की बात करें, ड्राइवर्स आपको मिलते हैं 10 मिलीमीटर के, तो मतलब आपको इसमें बेस तो बहुत अच्छा मिलने वाला है। फुल चार्जिंग की बात करें तो ये 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाता है, मतलब 1 आवर आप इसको चार्जिंग पे लगाइए तो ये फुल चार्ज हो जाएगा, आपको 25 आवर्स की बैटरी बैकअप दे देगा। एक इसकी जो सबसे खास बात मेरे को लगी है वो आती है इसमें ट्रांसपेरेंसी मोड, जो बिल्कुल न्यू है इस रियलमी बर्ड्स में, क्योंकि ये एप्पल में तो आपको मिलता ही है। ऐसे ईयरबड्स अगर आप कान में लगा लेते हैं तो बाहर का आपका बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, कुछ सुनाई नहीं देता है। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी में कुछ सुनना पड़ता है बाहर का, तो आपको निकालने पड़ते हैं। आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ वो मोड ऑन करिए और आप बाहर के सराउंडिंग्स की साउंड को सुन सकते हैं। इसमें एक और अपग्रेड कर दिया गया पिछले वर्जन से, वो है IPX4 रेटिंग के साथ ही आता है, मतलब स्वेट प्रूफ है, जिम में आप इसको यूज कर सकते हैं। नॉर्मल फीचर्स ले लीजिए, जैसे ऑटो पेयर हो गया, ब्लूटूथ 5.0 के साथ आता है, कंट्रोल्स हो गए, जेस्चर्स हो गए, वो सब तो आपको इस पर मिलते हैं। लेकिन जो इसकी खास बात है, एक और खास बात जो इसकी मेन बात है, वो इसमें आपको मिलती है, पहले तो नॉर्मल बता दो, नॉर्मल जो लेटेंसी वो मिलती है आपको 119 मिलीसेकंड की। लेकिन इसमें आपको एक गेमिंग मोड भी आता है, उसमें जो मोड है उसका नाम है सुपर लेटेंसी मोड, और उसमें जो आपको लेटेंसी मिलती है वो है सिर्फ और सिर्फ 94 मिलीसेकंड्स की। जी हाँ, सिर्फ 94 मिलीसेकंड्स की आपको सुपर लेटेंसी मोड में आपको मिलती है, जो आपकी गेमिंग में बहुत हेल्प होने वाली है। बंदूक की आवाज़ और आपके टच करने में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। जो दूसरे लॉन्च होने वाले वो है रियलमी बर्ड्स वायरलेस प्रो, ये पिछले वर्जन से अपग्रेड है। आपको पता ही है वन प्लस का, ओप्पो का, बहुत सारे लॉन्च हो चुके हैं अंडर 2,000 रुपीज में नेक बैंड वाले ईयरफोन्स। तो रियलमी के थोड़ा सेल गिर गई थी, लेकिन उन्होंने एक अब लॉन्च होने वाला है प्रो करके, तो मैं इसके आपको कुछ फीचर्स बता देता हूँ। इसमें भी आपको मिलती है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन जो है 35 डेसिबल। बल्कि बैटरी की बात करें, बैटरी आपको टोटल मिल जाती है 22 आवर्स की अगर आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन बंद रखते हैं। अगर आप चालू कर देते तो आपको 16 आवर्स की एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ बैटरी बैकअप मिलती है, जो इस रेंज में किसी में भी आपको नहीं मिलती होगी। विद एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की बात कर रहा हूँ, एक तो इतना अच्छा एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, उसके साथ साथ बैटरी बैकअप भी मुझे नहीं लगता किसी भी आपको ईयर नेक बैंड वाले ईयरफोन्स में मिलती होगी। और जो बात करें इसके ड्राइवर्स की, इसमें आपको मिलते हैं 13.6 mm के ड्राइवर, बेस बूस्टेड ड्राइवर हैं, तो आपको बहुत अच्छा आपको साउंड और बेस मिलने वाला है। सोनी एलडेक टेक्नोलॉजी के साथ ये आता है। नॉर्मल फीचर से लीजिए, मैग्नेटिक ईयरबड्स है, ऑटो पेयर है, ब्लूटूथ 5.0 के साथ ये आता है। लेटेंसी की बात करें, लेटेंसी आपको मिलती है इसमें 119 मिलीसेकंड्स की। जैसे कि मैं आपको ड्राइवर्स के बारे में बता रहा था, ये प्रीवियस वर्जन से 21% बिगर है, मतलब इसमें 13.6 मिलीमीटर के ड्राइवर मिलते हैं जो कि 21% बिगर है पिछले वाले वर्जन से, जो कि बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छा बेस मिलने वाला है। खास बात इसकी जो है, अगर आप 5 मिनट तक चार्ज करते हैं तो आपको 100 मिनट्स का प्लेबैक मिलता है और 1.5 आवर्स में ये फुल्ली चार्ज हो जाता है। सो गाइस, ये सब चीजें थी जो मैंने आपको बता दी फीचर्स
मैंने आपको बता दिए, दो ईयरफोन्स इनके लॉन्च होने वाले हैं रियलमी के, मैंने फीचर्स बता दिए। और आपको खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए वो तो इनके प्राइस के ऊपर डिपेंड रहेगा, लेकिन अभी की बात करूँ तो दोनों ही मेरे को बहुत अच्छे लगे हैं। एयर कट बात करो तो उसमें ट्रांसपेरेंसी मोड मुझे बहुत अच्छा लगा है, सुपर लेटेंसी मोड। और जो प्रो की बात करें, जो नेकबैंड वाला ईयरफोन्स है उनकी बात करें तो उसमें भी आपको बैटरी अच्छी मिलती है, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिलता है, बहुत कुछ मतलब अच्छी चीज़ें रहने वाली है। IPX4 रेटिंग्स के साथ एयर वाले स्टेम वाले बड्स आने वाले हैं, तो इनको जैसे ही लॉन्च होते हैं मैं देखता हूँ, इनकी अनबॉक्सिंग अरेंज करता हूँ, आप सबके लिए रिव्यू भी अरेंज करता हूँ। एंड वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इंस्टाग्राम ट्विटर की ID भी मैं आपको दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, तो वहाँ आइए, मेरे से डाउट है तो पूछिए, मेरे से कनेक्ट होइए, मैं वहाँ भी स्टफ्स डाल देता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।